अस्सलामुअलैकुम। तो मेरी YouTube की फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ आपकी दुआओं से। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबे का टाइम पास चना। लहसुन लेगा, उसके लिए फ्राई करके डालूँगी लहसुन लास्ट में। ये चिली सॉस, सोया सॉस, शेजवान चटनी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, हल्दी रहेगी और ये ज़ीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची। फूड कलर एक्सेप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो ये रेसिपी तो मैंने सोची थी कि कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, तो मैं भी सीख ही रही हूँ, अभी फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो देखो, ये चना है, भिगो के रख दिए थे रात में। अभी इसको ना दो सीटी ले लेंगे, तो हल्का सा नरम कर देंगे इसको, ज़्यादा नरम नहीं करेंगे। ये जितना चना है ना उससे इतना, दो उंगली पानी ऊपर रखूँगी और सीटी लगा दूंगी। दो सीटी लगा के थोड़ा सा नमक डाल के फिर ले लूँगी, समझो कि हल्का सा, क्योंकि ये भिगा के रखे हुए तो ऑलरेडी ये नरम हो गए हैं। फिर मैरिनेशन करके फिर बताती हूँ आपको। तो फिर चने बॉईल करके हो गए हैं, तो ये अंडा मैंने फोड़ के ले ली। अभी ये डालेंगे चिली सॉस। हाँ, शेजवान चटनी। पूरा बर्तन साफ करके डालेंगे चिली सॉस। शेजवान चटनी पहले से ही थोड़ी सी तेज रहती है ना, और ये कलर वाली लाल मिर्ची एक चम्मच जाएगी। फिर मैं चख के देख लूंगी कि तेज है क्या नहीं, क्योंकि मेरा आहिल खाने वाले, अम्मी खाने वाले तो तेज नहीं बनाएंगे हम लोग। जी हाँ हाँ, सोया सॉस। हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट छोटे वाले अम्मी दो चम्मच डालो। एक, अब मैरिनेट करके भी आधे घंटा रख देंगे, ठीक है। हाँ, ये है मैदे का आटा दो चम्मच, ये वाला बड़ा चम्मच रहेगा, दो चम्मच भर के लो। हाँ, भर के अम्मी, चने को सब पकड़ना चाहिए ना। हाँ, मैदे का आटा दो चम्मच, कॉर्नफ्लावर रहेगा दो चम्मच, ये कॉर्नफ्लावर दो चम्मच, एक दो चम्मच हल्दी रहेगी और एक चम्मच जीरा पाउडर। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, हाँ मैंने भून के पीस के ले ली थी। हाँ, आधा चम्मच डाल दो, ये डालो अम्मी जीरा पाउडर। आधा चम्मच, हाँ नहीं, ये जीरा पाउडर है ना, एक चम्मच डालो, हल्दी आधा चम्मच रहेगी ना। हाँ बस, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची अम्मी एक चम्मच, उसके अंदर चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्ची। लाल कलर डालने से बेहतर है कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दो, मस्त कलर आएगा। हाँ, एक चम्मच, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। चलो, क्या है निकाल लो, लहसुन होएगा वो, कांदा लहसुन का मसाला है बस। हाँ बस, मिक्स करो उसको अभी ना। अभी फिर नमक, नमक पहले टेस्ट करेंगे मिक्स करके, कम ज़्यादा, क्योंकि चने में नमक डाले है ना। अरे मिक्स दी वो था ना, अभी कर लेते ऐसे क्या करें। पानी नहीं डालना है, पतला नहीं करना है इसको, ऐसे ही मिक्स करके ले लेंगे। एक आधा नींबू मैं निचोड़ दूंगी, ये देखो, ये मैं नींबू निचोड़ रही हूँ, ठीक है। ऐसे देखो, इसका बीच आ गया है, निकालो, ये चम्मच है, निकाल लेते तो अभी। अभी इसमें चने को भी मैरिनेट करके ले लेंगे साथ ही में। पूरा कि थोड़ा थोड़ा, थोड़ा डाल, थोड़ा थोड़ा करके डालो। तो देखो, ये ऐसा दिख रहा है ना, अगर आपको फूड कलर डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं भी अभी फूड कलर डालूंगी थोड़ा सा, उसको फूड के लिए क्या, वो लास्ट में जब फ्राई करना रहेगा, थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ इसमें।
ये देखो ये चने, ये लहसुन फ्राई करके ले लूँगी, अच्छा डाल ही देती हूँ ना, अच्छे फ्राई करूँगी थोड़े से। ये चने हो रहे हैं मेरे, चने के लहसुन हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वो भी आने लगी है तो निकाल के ले लूँगी। ढाबे का टाइम पास, लेकिन मेरा जब मैंने देखी ना कि बच्चे बच्चे को अच्छा लग रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, तो मैं देखी कि हाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो देखो ये चने हैं, एक 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 लेके डालूंगी, तो क्या मिक्स नहीं होंगे ना, और इसको एक और जब फ्राई कर लेंगे ना एक बार, फिर निकाल के ले लेंगे, फिर इसको और एक बार 5 मिनट के लिए डीप फ्राई करेंगे तेल में। तो ये देखो ये मैं एक राउंड निकाल के ले लेती हूँ, इसको रेस्ट करने दूंगी 5 मिनट के बाद में, फिर डीप फ्राई करेंगे वापस, ठीक है। तब तक मैं दूसरा डाल दूंगी, इसको डबल फ्राई करना है हमको, इसको डबल फ्राई करके लेंगे, ठीक है। देखो फिर तेल को मैंने अभी वापस फास्ट गैस पे कर दी, ये जो चने जो बन गए हैं इसको डबल फ्राई करके लेंगे, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो पूरा मैं एक साथ में ही डाल देती हूँ, और 5 मिनट इसको अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी करके डबल फ्राई करने का यही है कि वो क्रिस्पी हो जाएंगे। डबल फ्राई करके निकाल के फिर सर्व करके बताती हूँ। तो आप देख रहे हो इसके साथ में कुछ कुछ लहसुन की कलियाँ भी है, तो देखो ये क्रिस्पी हो गया बन के। अब ये सेकेंड राउंड हो गया, निकाल देती हूँ। कैसे लहसुन उठने का डर लगता है। तो आप देख रहे हो सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, और बाहर निकाल रही हूँ मैं अभी, तो उतना ही क्रिस्पी हो गया। थोड़ा सा जो उसकी लेयर है ना वो अच्छी से क्रिस्प हो जाती है, तो वो उसका खाने का मज़ा बहुत आता है। फिर ये देखो मैंने मैरिनेट करके रख दी हूँ फ्रिज में बाकी, क्योंकि आज रात में लेट हो गया, तो अभी हम लोग वो इंशाल्लाह कल शाम में बना के खाएंगे। अभी के लिए ये देखो, मैं टेस्ट करके देख रही हूँ, बहुत यम्मी बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चना और चना लहसुन ढाबे का टाइम पास बन के रेडी हो गया। तो ये आप देख रहे हो 1500, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो उसकी खुशी में, और मेरे मुझे बहुत बहुत मैं थैंकफुल हूँ जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए, और आप मेरी रेसिपी को फॉलो करो, मेरी रेसिपी को आगे बढ़ाओ, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ करना है आगे। तो मैं भी सीख ही रही हूँ, मैं भी सीख सीख के ही बना रही हूँ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हम लोग चना खाए थे ढाबे पे जाके, तो मैं कब से सोच रही थी कि बनाऊँगी, और ये बन गया। इससे और अच्छा टेस्ट नेक्स्ट टाइम और बेटर बनाने की कोशिश करूँगी। तो मेरे 1500 सब्सक्राइबर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मेरे रेसिपी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में मुझे बताओ। थैंक यू वेरी मच। अगले ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।